नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं न्यूज बायोस्कोप। और हर दिन की तरह आपके सामने हम 4:30 बजे पहुंचे हैं राजधानी पटना के महावीर मंदिर में। जी हाँ, पूरे देश में श्री राम की चर्चा हो रही है, अयोध्या की चर्चा हो रही है, और चर्चा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। राजधानी पटना और पटना का महावीर मंदिर अयोध्या से पहले से ही जुड़ा है। और आपको एक खास बात बताएं कि उस प्राण प्रतिष्ठा में जो धनुष है श्री राम का, वो पटना से गया है और वो धनुष अपने आप में अनोखा और अनूठा है। तो आप सोच सकते हैं कि बिहार से अयोध्या का, पटना में से अयोध्या का, या यूँ कहें कि जनकपुरी से अयोध्या का जो कनेक्शन है वो पूरी दुनिया जानती है। और यही कारण है कि पटना के महावीर मंदिर में सबसे ज़्यादा भगवान श्री राम के जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, चाहे वो महिला हों चाहे पुरुष, भगवान हनुमान के जो भक्त हैं वो ज़रूर आते हैं। तस्वीरों के जरिए हम एक झलक दिखाते हैं, क्योंकि आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार के दिन भगवान के इस रामलला के महावीर मंदिर में जो श्रद्धालु हैं काफ़ी संख्या पहुँचे हैं। और जैसे जैसे रात होगी ये महावीर मंदिर उतना ही गुलजार होगा। महावीर मंदिर में जो दोनों तरफ की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखाते हैं कि दोनों तरफ में, एक तरफ भगवान श्री राम हनुमान जी को गले लगाए हुए हैं, क्योंकि यही वो सीन है जो पूरी रामायण के इस कह सकते हैं कि सबसे खूबसूरत लम्हा अगर कोई है तो वो भगवान राम का हनुमान के साथ मिलन, और तभी रावण तक पहुंचने की जो युद्ध स्तर तक बातें हुई। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम आज भी हम लोगों के बीच प्रासंगिक हैं और लोग उन्हें कितना एनर्जी के साथ भगवान श्री राम के नाम से ही, भगवान श्री राम के नाम से ही सारे लोग कितने ऊर्जावान हो जाते हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हम कुछ लोगों से जानेंगे भगवान श्री राम को लेकर जो अयोध्या में जो बातें चल रही है। ये बताइए, आप लोगों ने पूजा पाठ कर लिए? जी, एकदम राममय, पूरा भारत पूरा दुनिया राममय हो गया। अयोध्या ही क्यों हम बोले, पूरा हमारे हिंदू वर्ष, जितने भारत के जितने भी लोग हैं सबको ही राममय हो गए हैं। सियावली रामचंद्र की जय। आज 500 वर्षों का तपस्या, जो हमारा जो वनवास था वो श्री राम में खत्म हुआ है और आज हमारे देश में बहुत ही भव्य राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, उसके लिए बहुत खुशी है। और हम हर मंगल को आते हैं बजरंगबली के दरबार में, और पूरे विश्व, पूरे भारत में, पूरे विश्व में एक यही मंदिर है जहाँ बजरंगबली के दो विग्रह हैं, एक जो है आपका मनोकामना पूर्ण करता है और एक जो विग्रह है जिससे आपका दुख हरते हैं, संकट मोचन हनुमान जी, एक आपके मनोकामना पूर्ति करते हैं और आपका कोई भी रोग हो, दुख हो, मतलब जैसे कोई भी संकट हो वो आपको हरेंगे। जी बहुत बड़ी बात है। और आचार्य कुणाल किशोर जी द्वारा इसे देखा जाता है, ये तो आपको मालूम ही होगा आपको कि अयोध्या में जो धनुष, हाँ वो यहीं से गया है, जो 2 किलो का शायद धनुष बनाया, तीर धनुष जो बना है यहीं से गया है। एकदम जाएगी भगवान श्री राम के हाथों में धनुष। फिलहाल जो श्रद्धालु हैं वो बारी बारी से जा रहे हैं और भगवान श्री राम की चर्चा, क्या मतलब, भगवान श्री राम का नाम ही अपने आप में वो एनर्जी देता है जिसको लेकर भक्त लोग अभी से पधारने लगे हैं। देखिए किस तरह से भगवान श्री राम का नाम, सर जैसे जैसे 22 तारीख नज़दीक आ रहा है। जी जी, ये तो श्रद्धा है हम लोगों सनातन धर्म के प्रति, जो 500 से जो चल रहा था उसको हम लोग पूरा करने आ रहे हैं, इसी कृपा से बजरंग बली की। हाय सर, तो आइए आइए, देखिए ये बताइए कि अभी एक गाना बड़ा चर्चा हो रहा है, भगवान श्री राम झोपड़ी में आएंगे। हाँ। अगर हम चाहें कि आप भाई आप अपने शब्दों से सुना दें उनको। ऐसे तो मुझे उतना नहीं याद है, बट ये गाना मुझे बहुत पसंद है, मैं सुनती भी हूँ। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे राम ना झुलाऊंगी, मिठे मिठे भजन सुनाऊंगी, दिवाली में मनाऊंगी। चल रही है दिवाली की तैयारियां, तो जोर शोर से चल रही है। जैसे दिवाली में हम लोग घर साफ करते हैं, घर की सफाई वगैरह होता है, वैसे उस तरीके के हम लोग कर रहे हैं पूरे दिवाली, पूरे घर को एकदम साफ सुथरा, एकदम बहुत अच्छे से।
उस दिन पूरा लरी लरी उरे एकदम दिवाली की तरह कैसे आदमी घर को सजाया जाता है उसी तरीके से हम लोग हाँ कंप्लीट दिवाली मनाएंगे। बहुत खुशी भी मन से अंदर से है कि नहीं मेरे भगवान मेरे द्वार पर आ गए हैं उनका आने का स्वागत। कहाँ घर है आपका? घर का लालूपत सिपारा कुरथौल। सब घर में ऐसे ही सजने लगे? ये तो मुझे नहीं पता, मेरे घर का अगल बगल का लोग तो ऐसे मतलब की बात कर रहे हैं। हम लोग का भी बहुत इच्छा हो रहा है कि नहीं दिवाली की तरह ही राम जी का स्वागत करे, पूरे घर को दीपक की तरह सजा देना है। सर पूजा करके निकले हैं। सर एक चीज जानना चाहेंगे, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, इसको लेकर वहाँ तो तैयारी है, क्या आपने कोई तैयारी कर? एकदम उत्साहित है हम लोग हैं, जय श्री राम कहना है, जय हनुमान कहना है, बस बहुत खुशी की बात है। इतने साल के बाद ये सुनने को मिल रहा है कि हम लोग प्राण प्रतिष्ठा होने वाली आ रही है, इससे बड़े खुशी की बात क्या है। पूरे 140 करोड़ की आबादी में सब लोग जय श्री राम कहेंगे, जय हनुमान जय श्री राम। जय हनुमान जय श्री राम के नारों से पूरा अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरा देश बल्कि यूँ कहें कि विश्व के कई लोग जुड़ जाएंगे, जिसको लेकर के अभी से ही तमाम जो कार्यकर्ता जो श्रद्धालु हैं भगवान राम को मानने वाले भगवान। और यहाँ हाँ तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिल रही है। और आज मंगलवार है जिसकी वजह से भीड़ थोड़ी ज़्यादा है, जिसके अभी लंबी कतारें थी थोड़ी देर पहले, और जो जैसे जैसे रात गुलजार होगा मंदिर बिल्कुल भव्य तरीके से सजा हुआ नज़र आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा पल है कि जैसे जैसे 22 तारीख नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे तैयारियां जोर शोर से हैं। तो यही कारण है कि भगवान श्री राम की आस्था और भगवान श्री राम को लेकर यहाँ पर विशेष व्यवस्थाएँ की गई है। और इन व्यवस्थाओं में यदि हम बात करें उन श्रद्धालुओं की, तो आइए जो कुछ श्रद्धालु हैं जो पूजा करके लौट रहे हैं उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी भगवान की जो ये अखंड शक्ति है वो जानेंगे। आइए आइए सर। सर जैसे जैसे नज़दीक आ रहा प्राण प्रतिष्ठा का दिन मन में उमंग बढ़ता है? उमंग बढ़ रहा है, ऐसा कि लग रहा है कि अपने घर का फंक्शन है। क्या बात है। और राम मंदिर तो हम लोग शुरू से जब से देख रहे हैं हनुमान मंदिर को, और कुणाल जी भी बहुत सारे हमेशा से वहाँ भोजनालय से लेकर के, और आज पढ़ करके मंत्र मुग्ध हो गए कि धनुष जा रहा है, सोना का धनुष जा रहा है और करोड़ों का चेक तो जाता ही है। ये जितने भी पटना वासी और बिहार वासी हैं, ये हम सब के लिए एक ऐसा क्षण है जिसको शब्दों में शायद बयान नहीं कर सकते। वो फीलिंग जो होता है कि अंदर से एक लग रहा है जैसे उत्साह और उल्लास खुद ब खुद लग रहा है। कोई हम लोग कोई पार्टी कोई दल किसी से नहीं हम लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन एक अंदर से लग रहा है जैसे दिवाली पर्व का एक माहौल जो है वो महसूस हो रहा है। नहीं मेरा नाम है अमिताभ ऋतुराज, अधिवक्ता पटना हाईकोर्ट, एस्पिरेंट गवर्नमेंट लीडर पटना हाईकोर्ट। मैं ये गजब सा उत्साह महसूस हो रहा है। 2 जनवरी को मैं ससुराल के सामने महावीर मंदिर में दर्शन किया बजरंगबली का, 9 तारीख को हमारे मोहल्ले में ठाकुर बाई रोड में बीच में, और अभी पास में एक मेरे मित्र मनोज सिन्हा नए अवसर पर हमने विश्व वर्षगांठ के अवसर पर होटल विशा के पास, तो यहाँ और लगा कि जैसे हेडक्वार्टर्स मतलब ये महावीर मंदिर जो हमारे आचार्य किशोर कुणाल अंकल ने किया, वो हमारे पिताजी के साथ काम कर चुके हैं, मेरे फादर भी लेट जेएम प्रसाद रिटायर्ड आईजी पुलिस, उन्होंने श्री राम कार सेवा समिति के अध्यक्ष थे, रामशिला समिति के अध्यक्ष थे, बक्सर तक ईंटा पहुंचाने गए थे। तो ये 22 जनवरी के पूर्व मंगलवार को, अगला मंगलवार तो 23 जनवरी 2024 है, तो कहीं क्या बुलावा आया, और आपने आप भी साधारण व्यक्तियों का बाइट ले रहे हैं, तो ये मैं कहना चाहूँगा कि मतलब जो भी राम श्री राम के प्रासंगिकता को चैलेंज करते हैं वो कहाँ जाएंगे वो वही समझें। सो और जब किसी का निधन होता है तो लास्ट में राम राम लिखाता है, तो मोक्ष तभी मिलती है। और राम यही कहना चाहेंगे, राम आदि है राम अंत है, राम राम रोम में है राम व्योम में है, राम रोम में है और राम व्योम में है, राम एकांत है राम महफिल में है। इसलिए जो कहावत है जो
राम आदि है, राम अंत है, राम रोम में है, राम व्योम में है, राम महफिल भी है, राम एकांत भी है। आप कहावत कहा ने गया, राम से बड़ा है राम का नाम। एक बहुत सुंदर सुंदरकांड में एक अध्याय है कि नल और नीर जो भी उनको वरदान मिला था, उसके अलावा जो राम राम नाम से लिखा हुआ सिलावट उन्होंने फेंक रहे थे, जो यहाँ भी हम लोग को देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हुआ क्या कि राम जी बोले कि क्या ये लोग हो रहा है, ऐसा लिख के ये लोग दे रहा है, ये अध्याय है बहुत सुंदर अध्याय है, तो ये लोग फेंक रहा है। देख के राम जी खुद स्वयं राम ने समुद्र देवता का आह्वान करके डाला, पत्थर डूब गया। राम जी बोले कि अरे ये क्या हुआ कि राम नाम लिख करके डाल रहा है, वो तैर रहा है। तो जामवन जी ने कहा कि प्रभु जिसको खुद राम ने छोड़ दिया हो वो कैसे तैर सकता है, क्या बात। और ये देख करके राक्षस सेना में, ये भी एक बहुत सुंदर अध्याय है रामचरितमानस का, उसमें खलबली मच गया कि अरे ये लोग तो ऐसा है कि उनके सेना का आदमी पत्थर फेंक दे रहा, पत्थर तैर रहा है, लोग पहुंच जाएगा। तो रावण तो था तो ज्ञानी, रावण एकमात्र ऐसा था जो शैव था और वैष्णव भी था, शैव और वैष्णव दोनों, जो शिव का ही पूजा करता है, जो वैष्णव भी था। तो उसको उत्साह दिखाने के लिए कि चलो हम दिखा दें कि हम भी फेंकेंगे तो पत्थर तैरेगा, और उसने कुछ नहीं किया, श्री राम का नाम लिया और पत्थर को समुद्र में डाला, पत्थर तैर गया। उससे उत्साह बढ़ा कि देखो हतोत्साहित होने का जरूरत नहीं है। और एक और बहुत सुंदर अध्याय, अगर आप एक मिनट का है बताना चाहेंगे, कि आवाहन जब हो रहा था, जाहिर सी बात है राम तो खैर अपने आप में पुरुषोत्तम थे, उन्होंने आवाहन किया, समुद्र देवता का पूजन किया, तो जामवन जी बोले कि पूजन ऐसे संपन्न होगा नहीं, ये बहुत बड़ा यज्ञ आप करने जा रहे हैं, कैसे होगा। लेकिन उन्होंने ये किया कि प्रभु मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पूजा कराए वो शैव भी हो और वैष्णव भी हो। तो पूरे ब्रह्मांड में, जैसे मैंने बताया भी कि एकमात्र रावण था कि जिसने, जो शैव और वैष्णव दोनों था, तो वहाँ गए जामवन जी, लंका गए, ये बहुत कम लोगों को पता है, जामवन जी युद्ध के पहले लंका गए, और लंका गए तो उनके नाना का दोस्त था, पुलस्त मुनि का दोस्त था, मित्र थे जामवन के, रावण के नाना जो थे वो बहुत बड़े ज्ञानी और ये थे, संत थे, साधु थे, उसके वजह से वो वैष्णव हो गया। तो बोले कि नहीं, मेरे नाना श्री का दोस्त है, उनको सादर पूर्वक लाइए। तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूँ, आप मेरा आग्रह मानेंगे। तो उन्होंने कहा जरूर, आप बोलिए, आज्ञा तो दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं, मेरे जो राजा हैं वो एक पूजा करना चाहते हैं, और पूजा ऐसा करना चाहते हैं, वैसे साधु महात्मा से पूजा कराना चाहते हैं जो शैव भी हो और वैष्णव भी हो, तो आपके सिवा कोई और नहीं है। तो बोले ठीक है, मैं आऊँगा ये प्रहर प्रातः ब्रह्म काल के बाद 5:30 सूर्योदय के समय, क्योंकि साउथ में सूर्योदय थोड़ा लेट होता है, कि 5:30 बजे मैं आऊँगा। तो बोले लेकिन ये पंडित का कर्तव्य है, ये पंडित का कर्तव्य है, जजमान का पास अगर अधूरा है तो वो सामान लेके जजमान का पंडित जाता है, क्योंकि वो अकेले थे राम, उनकी अर्धांगिनी राम अलंका में थी, अशोक वाटिका में थी। तो उन्होंने मेघनाथ को बोला कि जाओ, ऐसा ऐसा सीता को कहना कि कल बहुत बड़ा हवन और पूजन है, तुमको मेरे साथ चलना है, लेकिन तुम्हारा अधिकार वहां पर तभी तक होगा जब तक पूजा होगा, उसके बाद स्वयं तुम पुष्प विमान पर बैठना और मेरे साथ चली आना।